लगातार समापवर्तक ज्ञात करना है LCM, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 180 184 144, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 200 2 9 18 224, ये हो जाएगा 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 4 8 2 6 12, और ये आ जाएगा 36, ठीक है बेटा। फिर 2 से करेंगे 45 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 2 3 2 1 2 2 8 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 45 ऐसी रहेगा 23 ऐसी रहेगा और 2 9 18, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 23 आठ नंबर है, ठीक है। तो ये ऐसी रहेगा और 3 3 9, ठीक है बेटा। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 23 नहीं जाएगा और 3 1 3, ठीक है। अब एक बार इसको 5 से करना, 1 का 1 23, फिर 1 का 1, ठीक है बेटा। फिर ये 23 से डिवाइड होगा, ये 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सब को गुणा करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, 4 बार आया है तो आ जाएगा 4 और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120, 15 4 60 और 12 ये हो जाएगा 72। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से, 300 3 2 6 3 7 21, फिर 200 2 2 4 और 2 7 14, ठीक है बेटा, 0 6 5 6 1, तो 16,560 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लघुत्तम बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।